आज हम देखते हैं वॉलेट को कैसे लोड करते हैं क्यूआर के द्वारा। जैसे ये यहाँ पे क्लिक करके क्यूआर ले लिया, क्यूआर का या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या फिर डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर दो। ये डाउनलोड सेक्शन में चला गया। फिर इसके बाद में यहाँ से बाहर आ जाओ सीधे और अपने फ़ोन पे गूगल पे जो भी यूपीआई आईडी है उससे हम डायरेक्ट वॉलेट लोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज पे गए, अपने फ़ोन से इमेज पे क्लिक करो, ये इमेज पे आ गई। इमेज पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक स्कैन हो गया। स्कैन होते ही यहाँ पे ई पे का नाम आ गया। यहाँ पर मैं अमाउंट लेता 50 रुपीज़, यहाँ से क्लिक किया और अपना यूपीआई आईडी डाला, वॉलेट में लोड हो गया। ऐसे अपन आते हैं सीधे बाहर, अपन चले जाते हैं अपना ई पे वॉलेट पर, यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ गया। दूसरा एक तरीका है यहाँ से एड मनी का। एड मनी में गए, यहाँ पे अमाउंट डाला, अमाउंट डालते ट्रांजेक्शन हुई थी यूपीआई आईडी, जो भी यूपीआई अपने पास है। जैसे मैं फ़ोन पे लेता हूँ, यूपीआई पे जैसे पेमेंट सेंड करेंगे अपने उससे यूपीआई पे चला जाएगा। डाला पिन और ये उसके अंदर ऐड हो गया। दोनों ऑप्शन के माध्यम से हम अपने यूपीआई वॉलेट को लोड कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे देखिए ये बैलेंस बढ़ गया। इसी तरह से आपको भी वॉलेट पूरा का पूरा लोडेड करना है।